सियासत में ना कोई अस्थाई दोस्त होता है ना ही कोई दुश्मन। जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव का साथ छोड़ दिया है और कुछ ही दिनों में वह कमल के साथ जा सकते हैं। हालांकि अभी तक तस्वीरें साफ नहीं हुई हैं, लेकिन जयंत चौधरी के जो क्रियाकलाप है उससे यह साफ तौर पर माना जा रहा है कि वह एनडीए के पाले में जा सकते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी जयंत चौधरी को लेकर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। अखिलेश यादव ने अब तक कोई ऐसा बयान नहीं दिया है जिसे जाट टोटर जो है वो अखिलेश यादव पर गुस्सा हो। वहीं अखिलेश यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अपने गढ़ को मजबूत करने के लिए खुद सियासी मैदान में उतर चुके हैं। अखिलेश यादव इन दिनों पश्चिम में हैं और लोगों से मिलजुल रहे हैं। आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो सियासी समीकरण है समाजवादी पार्टी का, वह मुस्लिम और जाट को एक साथ जोड़कर सियासी मैदान में चुनावी फतेह करना चाहते हैं। हालांकि जयंत चौधरी का साथ छोड़ने के बाद अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगा था, लेकिन उसके बावजूद अखिलेश यादव पश्चिम में समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। अब आने वाला वक्त बताएगा कि अखिलेश यादव की यह सक्रियता समाजवादी पार्टी को कितना लाभ दे पाती है और 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में कितना कमाल दिखा पाता है। कैमरा पर्सन शहनवाज खान के साथ दिव्यंदु राय, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।